आज गुरु जी को अलख आदेश, माँ भगवती को अलख आदेश, रांची वाले भैरव बाबा को अलख आदेश, आप सभी को आदेश आदेश। सत नमो आदेश, गुरु जी को आदेश। सत की धरती, सत का आकाश, सत का माला, सत का जाप, सत का आसन, सत का पूत, आसन बैठे जोगी अवधूत, आसन बैठे ब्रह्मा इन, आसन बैठे हरि गोविंद, आसन बैठ के जपिए जाप, कोटि जन्म के उतरंते पाप, आसन बैठे सिद्धासन बैठे बैठे गिरी की छाया, पांच तत्व लेके आसन पर बैठे सतगुरु के सत के शपथ सुनावा, बिना मंत्र आसन लगाए सो जोगी नरक जाए, मंत्र पढ़ी आसन लगाए सो जोगी अमर पूजाए, श्रीनाथ जी गुरु जी आदेश, श्रीनाथ जी गुरु जी आदेश, श्रीनाथ जी गुरु जी आदेश। ये आसन मंत्र है, बंधन नहीं। बैठोगे तब तो बंधन करोगे, कहीं भी जब हवन के लिए बैठो तो सबसे पहले तो लेफ्ट पैर पटको अपने आसन पर, ओम फट बोलो, फिर राइट पैर पटको और बोलो हुम फट, दोनों पैर पटक के नीचे बैठ जाओ, आसन पर हाथ लगाओ, ये मंत्र का जाप कर लो। लेकिन आप खुद जब साधना कर रहे हो, हवन कर रहे हो, तब तो ठीक है, लेकिन अगर और लोग साथ बैठे हैं तो क्या। मैंने पहले वाले वीडियोस में आप लोगों को बताया था कि आप एक चाकू रखें जिससे कि आप एक घेरा बना ले गुरु मंत्र पढ़ के। नाथ संप्रदाय में एक बहुत ही महत्वपूर्ण चीज आती है जिसको हम कहते हैं चिमटा। चिमटे का भी एक मंत्र होता है, वो कभी और दूंगा, चिमटा सिद्ध किया जाता है। तो ये दो ऐसी चीजें हैं जिससे कि आप एक रेखा बना सकते हैं जिस जगह पर आप साधना कर रहे हैं। और ये बहुत जरूरी है अगर आपके साथ कोई ऐसा व्यक्ति बैठा है जिसने पहले कभी साधना नहीं कर रखी हो। ठीक है, मंत्र सुनिएगा इसको ध्यान से और इसको सिद्ध कर लीजिएगा आप लोग 1008 जाप करके। नवमी का दिन आ रहा है 13 तारीख को, 13 की रात को आप लोग इसको सिद्ध करिए, 1008 जाप करके दशांश हवन करिए, ये सिद्ध हो जाएगा। सामने अगर एक चिमटा या एक चाकू रख लीजिएगा तो वो भी साथ में सिद्ध हो जाएगा, लेकिन चिमटा को फिर से सिद्ध करना पड़ता है। मंत्र क्या है? सत नमो आदेश, गुरु जी को आदेश, गुरु के गुरुओं को आदेश। ओम गुरु जी सज्जे देवी, कपटे हनुमान वीर, पीछे भैरो बली बादशाह, अग्गे ख्वाजा पीर, सिर पे पांचवी काल का रक्षा करे शरीर, रामचंद्र योद्धा की दुहाई, लक्ष्मण की लकीर, गुरु गोरखनाथ की शक्ति, नवनाथ 84 सिद्धों की दुहाई, आदेश मेरे गुरानु पिंड वच न आवे हार। इस मंत्र को 108 जाप कर लीजिएगा आप लोग। और अगर दृष्टि किसी चिमटे या किसी लोहे के अच्छे सुंदर से आप चाकू पर रखते हैं तो वो सिद्ध हो जाएगा, और उसके बाद करना कुछ नहीं है, बस उसको लेना है और जहां आप बैठे हैं हवन करने के लिए और आपके साथ जितने लोग हैं उनके आसनों के चारों तरफ से एक लकीर खींच देनी है गोलाकार, जो एक जगह आकर बंद हो जाए। ऐसे मैंने बंधन का और भी तरीका बताया, जैसे कि किसी मंत्र को पढ़ के हल्दी से चारों तरफ छींट दीजिए, वो भी एक बंधन का अच्छा तरीका है। ये भी बंधन का बहुत अच्छा तरीका है, कोई भी अनवांटेड एनर्जी आप लोगों के पास नहीं आएगी। कभी भी हवन करिए तो एक टिप दे रहा हूं, जब भी आप हवन करते हैं, हवन करके जैसे उठिएगा तुरंत अपना आसन समेट कर रख लीजिए, ना आपके आसन पर कोई बैठ पाए, ना आपका आसन कभी खाली रहे, क्योंकि आसन सिद्ध होता है जाप से और शक्तियां उसके उसके ऊपर बैठ के फिर अलग अलग कार्य करती हैं। आज के लिए इतना ही। जिनको मेरा किताब पढ़ना है, हैंडबुक फॉर पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेटर, आप अमेजोन, फ्लिपकार्ट या जहां कहीं विश्व के किसी भी कोने में इसको खरीद सकते हैं। जिनको मुझसे डायरेक्ट बात करनी है वो कॉल मी ऐप फॉर डाउनलोड कर लीजिए। कॉल मी ऐप फॉर कॉल मी फॉर ऐप में रुद्रनाथ है, रुद्रनाथ जी मेरा ही नाम है, आप उससे मुझे कॉल कर सकते हैं। एक पेड ग्रुप आज हम लोगों ने व्हाट्सएप का शुरू किया है सबने मिलकर, उसको भी आप जुड़ सकते हैं। कम्युनिटी फोरम में जाइए हमारे चैनल का, वहां आपको मिलेगा। आप सभी को आदेश आदेश, अलग।